हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आज हम अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बिहार सिविल कोर्ट का डिक्टेशन लिखेंगे, जो कि लीगल डिक्टेशन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम डिक्टेशन के शब्दों की शब्द चिन्ह को लिख लेते हैं, उसके बाद डिक्टेशन को लिखेंगे। लिखना है नोटिस, तो देखिए लिखेंगे नो हो गया, टी स। लिखना है निर्गत, तो न में पहले र की मात्रा, निर हो गया, ग घड़ी की दिशा में विपरीत दिशा में, त की गई लिखना है। तो देखिए की हो गया गई, ई की मात्रा लगा लीजिए, की गई। अब लिखना है अनुपस्थित, तो अनु लिख लीजिए, प लिख लीजिए, आज थोड़ा चाप लगा लीजिए, अनुपस्थित। अब लिखना है कार्यालय, तो देखिए लिखेंगे क में पहले ही र की मात्रा, कर हो गया, कर्या ल की मात्रा लगा लीजिए, कार्यालय। लिखना है किया गया था, तो देखिए लिखेंगे किया हो गया, इसमें गया जोड़ लीजिए, गया हो गया था। अब लिखना है कि दाखिल किया गया था, तो देखिए दाखिल, दाखिल हो गया, किया गया था लिखना है, तो किया गया था। अब लिखना है ऑनलाइन, देखिए ऑन हो गया लाइन। अब लिखना है कि नहीं किया गया है, अब लिखना है कि कर दिया, दिया गया लिखना है, तो देखिए लिखना है दिया हो गया, गया का सब चीज लगा लीजिए, दिया गया। अब लिखना है कि नहीं किया गया है, तो देखिए नहीं हो गया, किया हो गया, गया ऐसे में है का सब चीज। अब लिखना है करना चाहिए था, तो देखिए लिखना है कर हो गया, ना हो गया, चाहिए हो गया, था। अब त्रुटिपूर्ण लिखना है, तो देखिए त तो में पहले ही रक मात्रा, त्रु टी पू न, प में पहले ही रक की मात्रा लगा लिए हैं, यहाँ पर घड़ी की दिशा में न की मात्रा को लगा लिए हैं। अब देखिए लिखना है कि दी जाती है कि, देखिए लिख लेंगे दी हो गया, जाती है कि। अब लिखना है समाहर्ता, तो देखिए लिख लेंगे स हो गया, मा हो गया, ह में र हो गया, अत्ता, समाहर्ता। पुनरीक्षण लिखना है, तो देखिए लिखे पू हो गया न, रीक्षण लिखना है, तो री छ न, घड़ी की दिशा में न लिख दिए, छ हो गया। अब देख देखिए लिखना है कि कर सकते हैं, तो यहाँ पर बता देते हैं आपको, देखिए कर हो गया, स जोड़ लिए, क ते हैं, तो कर सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, देखिए कर हो गया, सकते हैं। देखिए लिखना है कि होता है कि, तो लिख लेंगे हो गया ता है कि। अब लिखना है कि किया गया है, तो देखिए लिख लेंगे किया हो गया, गया हो गया, इसी में है जोड़ लीजिए। तो चलिए डिक्टेशन लिखेंगे अब, जो कि 5 सेकेंड बाद डिक्टेशन स्टार्ट होगा, तब तक के लिए आप तैयार रहें। स्टार्ट। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत की गई, नोटिस निबंधित डाक द्वारा प्रतिवादी को भेजी गई, जिसका साक्ष्य अभिलेख में संलग्न है। प्रतिवादी अंचल अधिकारी नवगछिया अनुपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान अंचल अधिकारी नवगछिया के नामांतरण वाद संख्या
12481 आर 27/2021-22 के आदेश के अवलोकन से पाया गया कि पूर्व में भी दाखिल खारिज वाद अंचल कार्यालय में आवेदक द्वारा दाखिल किया गया था। अंचल अधिकारी ने उस दाखिल खारिज वाद को अस्वीकृत किया है। आवेदक द्वारा दूसरा दाखिल खारिज आवेदन ऑनलाइन किया जो गलत है। अपीलकर्ता को पूर्व में अस्वीकृत दाखिल खारिज वाद के विरुद्ध दाखिल खारिज अपील वाद दायर करना चाहिए था जो नहीं किया गया है, बल्कि आवेदक द्वारा पुनः अंचल कार्यालय में ऑनलाइन वाद दायर कर दिया गया। इस आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 12481 और 27/2021-22 में पारित आदेश को मैं त्रुटिपूर्ण नहीं पाता हूँ। आवेदक का अपील आवेदन खारिज किया जाता है। आवेदक को सलाह दी जाती है कि अंचल अधिकारी द्वारा पूर्व में अस्वीकृत दाखिल खारिज वाद की सत्यापित आदेश की प्रति के साथ भूमि सुधार उप समाहर्ता नवगछिया के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद दायर करे। अपीलकर्ता आदेश के विरुद्ध अपर समाहर्ता भागलपुर के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर दाखिल कर सकते हैं। आदेश की प्रति अपीलकर्ता एवं संबंधित पक्षकारों को भेजे। बिहार भूमि व दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के धारा 7 के तहत वाद को स्वीकार किया गया एवं द्वितीय पक्षों को सूचना निर्गत की गई। प्रस्तुत अपील वाद में द्वितीय पक्ष उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा जवाब दाखिल किया गया। उभय पक्षों को सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचलाधिकारी पीरपैंती के द्वारा नामांतरण वाद संख्या 28/2021-22 से एक बंटवारनामा के आधार पर उत्तरवादी संख्या 1 के नाम पर नामांतरण किया गया है। समाप्त।